नवी मुंबई नेटवर्क। बेहद आक्रामक विजय चौगले का एक भावुक चेहरा आज दिघा एल्ठनपाड़ा स्थित प्रबोधनकार विद्यालय में दिखाई दिया। पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले के जन्मदिन के उपलक्ष में हर साल की भांति इस साल भी प्रबोधनकार विद्यालय में उनके जन्मदिन के मौके पर स्कूल के शिक्षिकाओं और छात्रों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विजय चौगले के साथ पूर्व नगर सेवक बहादुर बिष्ट, जगदीश गवते, शुभम चौगले, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान विजय चौगले ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, बच्चों ने भी विजय चौगले को उनके जन्मदिन के अवसर पर अपने हाथों से बनाए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट देकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लंबी आयु की कामना की। मगर वो पल बेहद भावुक पल बनकर साबित हुआ जब बच्चों द्वारा विजय चौगले के लिए कहे गए अनमोल शब्दों से विजय चौगले बेहद भावुक हो उठे। परंतु हमेशा की तरह वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते भी इस दौरान नजर आए। स्कूल के छात्रों के स्नेह से अभिभूत विजय चौगले ने अपने कष्टों का जिक्र कर बच्चों को उत्तम शिक्षा की तरफ जोर देते हुए कहा कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में विजय चौगले हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।